अब पटना की सड़कों पर भी दौड़ेंगी सीएनजी बसें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को परिवहन विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आधुनिक सुविधाओं से लैस 350 एम्बुलेंस और 50 सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर बिहार की जनता को सौंप दिया। यह पहला मौका है जब बिहार की राजधानी पटना में एक साथ 50 सीएनजी बसें चलने लगेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए सीएनजी बसें बहुत अच्छी हैं। गौरतलब है कि बिहार में पहले से ही इलेक्ट्रिक बसें तो चल ही रही थीं, अब सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण नियंत्रण में काफ़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने माना कि कोरोना के दूसरे लहर के दौरान सूबे में एम्बुलेंस की कमी हुई थी, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक में दो का वो पूरा हो जाएगा और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है। ये जैसा बताया गया कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी, एक तो उसको भी देखते हुए और कोरोना तो आज कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर एक। और नंबर दो, दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएँ होती हैं। और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है।